हरि ओम, वेलकम बैक। आज मैं ना आपको कुछ बहुत ही खास बताऊंगा। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ ए राग, और मैं चाहता हूँ कि राग शिवरंजनी से शुरू किया जाए। शिवरंजनी एक ऐसी राग है जो कि करुणा है, विरह है, और बजाने में उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर इसका जो मूड बनता है, हाँ, इट इज़ सो सोल टचिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी अनुभवों से जाते हैं कि जो कि हमारी अंतरात्मा को टच करता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ वी आर हैप्पी, देर इज़ ए पार्ट ऑफ सॉरो, शैडो, विच इज़ देयर इन अस। एंड शिवरंजनी से अच्छा मुझे लगता है और कोई राग ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट टच करता है उसको। अब देखो, आप सब लोगों ने राग भोपाली तो सीखा ही होगा। शिवरंजनी में अगर भोपाली के स्वर जो हैं उसको गंधार को अगर कोमल कर देते हैं तो शिवरंजनी बन जाती है। द स्केल ऑफ शिवरंजनी, जो कि सारे ग प ध सा साधा प ग रे सा है, जहाँ की गंधार कोमल है। एंड आई विल स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन नाउ। आरोह अवरोह, इसकी जो मूवमेंट है उतनी फास्ट नहीं है। धीरे 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 धीरे, अपना क्या बोलते हैं, अपना कोह जो है ना, कैसे व्यक्त करता है, और उसकी सोच ऐसी है। एक छोटी से आलाप बजा के दिखाता हूँ द मूड ऑफ राग शिवरंजनी। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बजाऊँगा, और सिंपल सिंपल कोशिश करता हूँ तो बेटा आप इसको सुन के आप खुद भी बजा सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें करुण रस आती है।
कृष्ण में राग से थोड़ा बाहर जाके हम शुद्ध गंधार लगाते हैं। सो इसको बोलते हैं हम विवादी स्वर का प्रयोग। जो शिवरंजनी में कोमल गंधार लगता है, राग बोलेंगे तो हम लोग शुद्ध गंधार अलाउड नहीं है, बट टू ब्यूटीफाई द एक्सप्रेशन हम लोग करते क्या है, विवादी स्वर को वहाँ लाते हैं और वेरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट फिर अपने ओरिजिनलिटी में वापस आ जाते हैं। देखो कैसे कोमल गंधार और शुद्ध गंधार दोनों लगता है इसमें। शुद्ध गंधार से फिर कैसे मींड होके कोमल गंधार में वापस आती है, दिस इज द ब्यूटी। शिवरंजनी का आलाप। आप जैसे ही आप सुन रहे हो अभी, आपको कैसा महसूस हो रहा है, यू नो, कि लॉन्गिंगनेस, यू नो, वेटिंग फॉर समबडी, है ना, और स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, है ना, जो डोंट यू थिंक इट इज़ कमिंग एंड डायरेक्टली टचिंग टू द सोल। इट इज़ नॉट द टाइम प्लेइंग्स, दिस द ब्यूटी ऑफ दिस राग इटसेल्फ। इतना खूबसूरत राग है इसका। सो मुझे आशा है कि आप जो आलाप मैंने बजाया वो आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से उसका रियाज करोगे और आप खुद बजाओगे। एंड अगेन, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट्स himanshunanda.com and mysticbamboo.com for detailed courses। ठीक है, अगले सेशन में मैं और कुछ नया लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक हरिओम।